हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद, मैं आ गया एक और वीडियो के साथ। आज गाड़ी वही है, शहर डिफरेंट है और आज की सिचुएशन डिफरेंट है। ऊबर चलाने वाले सारे दोस्तों को मैं सलाम बोलूँगा और टैक्सी वालों के लिए भी, उनको सबको ये बोलूँगा कि यार कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ हो सकता है आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, कि आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हो। हर कोई कोरोना वायरस की बात कर रहा है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टैक्सी और ऊबर ड्राइवर्स हैं वो लोग यहाँ पर रिस्क पे हैं। वो क्यों? सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हो सकता है आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो या किसी वर्क वीज़ा पे हो या TR पर हो, तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी कोरोना वायरस को कवर नहीं करेगी। तो आपने खुद अपने आप को कवर करना है। उन कवर करने के लिए आपने कुछ चीज़ें ख्याल रखनी है। मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी न्यू साउथ वेल्स में या विक्टोरिया में ऊबर या टैक्सी चला रहे होंगे और उनके हालात ऐसे ही होंगे, उनके दिमाग में ही होगा साला ये अभी एयरपोर्ट से पिकअप किए, अब ये साला हालत में ना आ जाए, पता नहीं इसको कोरोना शरोना ना हो। पहली चीज़ ये कि यार मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग एयरपोर्ट से ना उठाओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की इनकम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ड्रॉप ऑफ कर दो एयरपोर्ट पे, लेकिन कोशिश करो कि पिकअप ना करो। लेकिन मैं ये ऊबर के प्लेटफॉर्म से नहीं कह रहा, मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हो। मेलबर्न सिडनी में और भी बहुत सारी जगह है, अगर चलानी है ऊबर तो वहाँ चलाओ, ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट से ही जाके पिक करो। अगर कोई टैक्सी वाला भी देख रहा है तो यार आप खुद देखो टैक्सी के रैंक में, आपको 300 की टैक्सी लगी हुई है, 300 लोग बंदा आपके सामने आगे पीछे खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल कोई भी आ रहा है, भले फ्लाइट चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन आप खुद सोचो यार एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका, कोशिश करो अवॉइड करो। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड टिप, मैं सब लोगों को ये बोलूंगा कि अगर आप मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, या कहीं पर भी ठंडे शहर या गर्म शहर में हो, आप जैसे मैं यहाँ डार्विन में हूँ, यहाँ गर्म शहर है, तो अगर आपने किसी पैसेंजर को पीछे बिठा लिया और आपको लग रहा है कि वो खांस रहा है या वो एशियन है, या आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, लेकिन अगर आप अपने आप को भी तो सेफ करना है ना, क्योंकि हो सकता है आपके बीवी और बच्चे भी हो ना घर में, आप तो नहीं चाहोगे किसी की वजह से कोई आपकी गाड़ी में बैठे और आपको कोरोना लगे और आप अपने बीवी बच्चों को पार्स करो। तो उसके लिए सबसे एक आसान सा हल है ये छोटे से थोड़ा सा जो शीशा है यहाँ के और ये दोनों पीछे के दोनों आगे के दोनों शीशे थोड़े से खोल दो, बस उससे हवा पास हो जाएगी। ये नहीं कह रहा कि मैं उससे कोरोना से बच जाओगे, लेकिन उससे हवा पास हो जाएगी। कम से कम वो जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो डायरेक्ट कोई खांस रहा है कुछ कर रहा है, वो कहीं पास ही नहीं हो रही है और एयरकॉन या हीटर चल रहा है वो गाड़ी के अंदर है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपको बनिस्बत आप इसको अगर खोल दोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो सकता है। ये दूसरी टिप थी, ट्राई करके देख लो। अगर खुद को यार हमारा दिमाग भी तो है ना, हम लोग भी जब गाड़ी चला रहे हो तो सोचते बहुत ज़्यादा है ना। अब हम लोग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दिमाग मेरा पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान में कराची में किस जगह पे ये कोरोना का शरोना चल रहा है, समझ रहे हो? अगर कोई इस्लामाबाद लाहौर पंजाब में कहीं रहता है, उसके एरिया के करीब में कहीं कोरोना हो, तो भले ऊबर ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका में कहीं पे भी चला रहा हो, उसका दिमाग तो यही होगा ना यार मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, कहीं उनको ना लग जाए, क्योंकि अगर बूढ़े लोगों को लग गया, 80 से ऊपर से ज़्यादा लोग हैं वही ज़्यादातर मर रहे हैं और उनको बचाने का टाइम भी नहीं है। 14 दिन के अंदर आप यहां से फ्लाइट करके वहां पे जा भी नहीं सकोगे, तो खुदा ना खास्ता आपके माँ बाप को कोरोना या खुदा ना खास्ता कोई आपके जानने वाले टीचर या दोस्त या किसके माँ बाप के लग जाएगा, तो आप उसकी बॉडी भी नहीं देख सकोगे। वो आपको मतलब जो क्वारंटी, अगर वो खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है, तो आप पाकिस्तान में तो ऐसा हालात है कि आप उनकी बॉडी भी नहीं देख सकते, वो वहीं दफना देंगे, उनके करीब भी नहीं आने देंगे। तो भाई वो चीज़ होने से पहले अपने आप को बचाओ। हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, बहुत सारे लोग अभी कहीं से वीडियो देखेंगे, दुबई अमेरिका कनाडा, वहाँ का चलो फिर भी सिस्टम ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया में 2 या 3 लोग मरे, लेकिन जो केसेस आए वो तकरीबन 600 केसेस पहुँच चुके हैं ऑल ओवर। डार्विन के अंदर 5 केसेस हैं, कराची के अंदर जहाँ से मैं हूँ ओरिजिनली पाकिस्तान में, मेरे ख्याल 200-250 केसेस हैं और पूरा ओवरऑल 600 केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में भी अच्छे खासे केसेस हैं, इंडिया में अभी एक उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि भाई सब सपोर्ट करने के लिए बाहर आके 5 बजे सब लोगों ने तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया, जो अच्छा है वो अच्छा है भाई, इसमें क्या बुरा है। अब बता ये रहा हूँ कि भाई ऊबर वालों को सबसे पहले चीज़ आप लोगों को पहले बता दी है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी ये सिक्योरिटी, हमारी जो लाइसेंस, वो हम जो चला रहे हैं, जो भी पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पर है, उसकी इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा आपका कोरोना, कोरोना का वायरस, कोरोना का डिजीज़ आपको अगर इम्पैक्ट करता है तो आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी, आप कॉल करके पूछ लो उनसे
वो आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो कैनेडियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, जो रेजिडेंट हैं, जो सिटीजन हैं, उनको अगर कुछ होता है तो वो तो मेडिकेयर कार्ड लेके हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उनका पूरी गवर्नमेंट देखेगी। आपको कौन देखेगा? आप जिस घर में रह रहे होगे उस घर के अंदर भी 4 स्टूडेंट और रहता होगा जिसकी वैसी फटी हुई होती होगी, $80 पर मंथ दे रहे होंगे आप लोग इंश्योरेंस के, उसके ऊपर वो कोरोना आपको सपोर्ट करेगा क्या? समझ में आई? तो भाई देख के पहली ये 2-3 टिप्स मैं बताई हैं, दरवाजा नीचे कर दो और ये क्या कहते हैं अपना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यार हैंड सैनिटाइजर मेरे पास भी है, बड़ी मुश्किलों से है, अगर मैं बेचना चाहूँ तो शायद $500 का जाएगा ये। मजाक कर रहा हूँ। हैंड सैनिटाइजर मैं उस वक्त यूज करता हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी को एयरपोर्ट से उठा रहा हूँ या किसी का बैग टच कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हैंड सैनिटाइजर तो मैं अपने स्टेयरिंग पे हाथ लगा रहा हूँ तो ये तो मेरा अपना ही स्टेयरिंग है अपना। आप कोशिश कर सकते हो कि हैंड सैनिटाइजर उस वक्त यूज करो जब आपको फील हो, क्योंकि एक तो मार्केट में मिल नहीं रहा, ये खत्म हो जाएगा तो मतलब वाकई जहां पे आपको जरूरत होगी वहां नहीं हो सकेगा। ये 2-3 टिप्स हैं, अगर हैंड सैनिटाइजर उसको एहतियात से यूज करो। चौथी टिप मैं आपको देता हूं, ये मुझे पता है लोग हंसेंगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि भाई ये मैंने कोल से खरीद लिए थे, ठीक है? ये आप ये देखो, ये खाना बनाने के ग्लव्स हैं। अगर आपको ऐसा, आप हंसोगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग हंसेंगे लेकिन जो हंस रहे हैं वो तो आज जिंदगी भर ही हंसेंगे। ये ग्लव्स अगर आप पहन के गाड़ी ड्राइव कर लो या किसी का बैग उठाना है तो मेरा ख्याल है जहां तक 50% आपका कोरोना है, क्योंकि आप जब हाथ लगाते हो किसी को और वो हाथ आपने आंखों में, नाक में या मुंह में लगाया, तब वो कोरोना ट्रांसफर होगा स्किन के अंदर। ये स्किन डिजीज नहीं है कि स्किन के हाथ से अंदर से चला जाएगा, नहीं, जब तक कि वो ब्लड के अंदर या सांस के जरिए, पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स के जरिए अंदर ना जाए, ठीक है? अगर ग्लव्स पहन सको तो यार भाई ये कोशिश कर लो, क्योंकि यार मैं फील कर सकता हूँ ना ऊबर और टैक्सी ड्राइवर, हम लोग की तो कोई इंश्योरेंस भी पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोगों को, हम चले तो जाएंगे, हमें सपोर्ट तो कर देगी ये गवर्नमेंट, लेकिन बाद में हम लोगों को उसका बिल भी भरना पड़ेगा, ठीक है? ये 3-4 टिप्स। पांचवी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये ग्लव्स यूज कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि पेट्रोल पंप, अगर आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहे हो तो गाइड्स काइंडली यूज योर ग्लव्स, इवन के यू कैन यूज योर टिश्यू बॉक्स, टिश्यू से वो ग्लव, वो जो हैंड होता है जहां यहाँ पे हम लोग खुद भरते हैं पेट्रोल, वो पंप उसका उठाओ और उससे यूज करो गाइज। इवन के ये वाली टिप पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया, पूरी दुनिया में ये होना चाहिए कि अगर आप क्या कहते हैं पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा रहे हो तो आपको ग्लव्स या हैंड सैनिटाइजर आप यूज करो ताकि वो अफेक्ट आपको आपकी तक फैले ना। तीसरी चीज ये कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 5-6 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वो लोग या तो एयरपोर्ट से आए या वो एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आप उनसे बातों बातों में पूछ लो, हाँ अगर वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं मतलब आपने पिकअप किए तो पूछ लो हाउ वाज योर फ्लाइट बिन, और वो यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, अगर फ्लाइंग इंटरनेशनल तो पूछ लो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको बुरा लगे लेकिन पूछ लो ताकि आपके दिमाग में हो कि यार मेरे साथ वो बैठा तो उसके बाद से शायद मुझे खांसी हो गई। चौथी पांचवी, भाई अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपका नज़ला जुकाम है, जुकाम है और गले में खराश है और बुखार हो रहा है, ये 3 चीज़ें हैं, तो आप डॉक्टर को भी कॉल करके पूछ सकते हो कि ये 3 सिम्टम्स हैं मुझे। अगर डॉक्टर बोलता है नहीं इट्स ओके तो स्टे इन हाउस, अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ टेस्ट के लिए आ जाओ या टेस्ट के लिए चले जाओ तो जाओ ज़रूर। ये मत सोचो कि मेरी अम्मा, मेरे अब्बा का गला ख़राब है या मेरा गला ख़राब है तो पहले मैं अम्मा की जो दवाइयों का डब्बा है उसमें से पोस्टान पेनाडोल से वो निकालूंगा, जब तक वो डब्बा ख़त्म नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं अम्मा मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगी या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो भाई हिरोशिमा नहीं बनना है, वो जो कल्चर वहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं पुराने ज़माने का कि हाँ भाई पहले डब्बे में से दवाइयाँ निकलेंगी उसके बाद फिर बंदा ये डॉक्टर के पास जाएगा, भाई खुदा का वास्ता ये एक वबा है जो के 1918 के अंदर भी एक आई थी जिसके अंदर मेरे ख्याल 30 मिलियन या 3 मिलियन लोग मर गए थे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वबाएं आती हैं जब आपको पता नहीं होता और ये आपको उस वक्त ज़्यादा अटैक करती हैं कि जब आप, आपको एक चीज़ बताई हुई होती है कि आप इससे बचो और हम लोग बिल्कुल ही उसको रिलैक्स लेके चल रहे होते हैं और वो फिर फैलता है। पाकिस्तान में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है हेल्थ का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में है, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा ही होगा कनाडा का वो जो जस्टिन ट्रूडो, उसकी वाइफ को हो गया, वो क्वारंटीन कर रहा है उसने 14 दिन। साला प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा यार, कम ऑन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया का वो जो इमिग्रेंट बॉर्डर प्रोटेक्शन वाला बंदा है उसका क्या कहते हैं
नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जिसको हम लोग सब लोग ही मिलके मतलब बोल रहे होते हैं कि यार इसी ने सारा हमारी पीआर रोकी हुई, उसको भी हो गया, वो भी सेल्फ क्वारंटीन के अंदर बैठा हुआ है। तो भाई ये एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, इसको आपने ख्याल रखना है। और अपने माँ बाप का खास तौर पर अगर उनका गला खराब है, उनका कुछ है, तो वही जाना है। ये ऊबर के ऊपर मैं वापस आता हूँ कि भाई आप अमेरिका कनाडा में कहीं पे भी ऊबर चला रहे हो तो गाइस प्लीज 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 अपना ख्याल रखो। और आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि आपके पीछे कोई खांस रहा है या कुछ है, आपसे पूछ लो बनिस्बत शर्मिंदगी के आपकी रेटिंग डाउन होना बेहतर है या आपको कोरोना वायरस लगना बेहतर है। तो भाई अपना ख्याल रखना है, मेरा दिल मेरा जिगर सारे ऊबर ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर्स के साथ है। अपना ख्याल रखो और जिंदा रहोगे तो आगे जान बनेगी, अगर जान नहीं है तो फिर जहान भी नहीं है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और अगर कोई आपको आपके पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ऊबर ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर अपने आपको किस तरह से बचा सकते हो तो कमेंट में लिखो और बताओ कैसे करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मिलते हैं रोड पर ऊबर चलाने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।